अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये डिज़ाइन जो मैंने अभी यहाँ पे बनाया हुआ थंबनेल में अपना, ये बेसिक निटिंग है। इसे हम चाहे बर्थडे बैग या ट्यूब में भी बना सकते हैं, लेकिन इसको बनाना कैसे है, ग्राफ कैसे करना, वो आज मैं आपको बताऊँगा। चाहे वो ट्यूब में या जैसे भी निटिंग में आप करना चाहें। ये हाफ़ ब्लैक और हाफ वाइट है, डॉटेड वाला डिज़ाइन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई ग्राफ आपके सामने ही बनाऊँगा मैं। यहाँ से हम न्यू पेज लेंगे। ये मशीन के मॉडल्स हैं, आपकी जो मशीन है उस हिसाब से। मैं तो टू सिस्टम रूल वाली मशीन पे सिलेक्ट करता हूँ इसको। ये पेज साइज़ है और उसके बाद ये रिबिंग है, ये टोटल विथ है, ये ट्यूब है, ठीक है, ट्यूब का पैकेज फ्रंट का, और ये ट्यूब की स्टिचें हैं, और ये बॉडी रेवोल्यूशन यानी कि जो लंबाई है उसकी, ठीक है। इसको फिनिश करते हैं, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। तो जो कलर जगाड़ के हैं वो हम पहले ले लेते हैं 169। उसके बाद जो है ना, हम इसकी जो है बार लाइन की सेटिंग करेंगे। पहले हम ग्राफ कर लेते हैं, ठीक है। बेसिकली जो आप यहाँ से कोई भी रैंडम कलर पकड़ के, ठीक है, ये पकड़ लें जो आपने कैरियर चलाना है, ठीक है। इसका हाफ हिस्सा पहले हम इसकी लंबाई थोड़ी बढ़ा लें, मुझे कम लग रही है, ठीक है। इसको आप हाफ में जो है ना वो कन्वर्ट कर लें, हाफ एक कलर कर लें, यानी कि वाइट और हाफ ब्लैक, ठीक है। इसका यहाँ से हम लाइन लगा के यहाँ से हम फिल कर लेंगे कलर दूसरा, ठीक है। ये ब्लैक हिस्सा हो गया, ये वाइट हिस्सा हो गया। तो हम इस पर वो डॉटेड कैसे लगाएंगे, बिल्कुल शॉर्टकट तरीका है। ये कमांड है, इसका नाम है स्प्रे गन, ठीक है। अब इसमें कोई भी एक रैंडम कलर उठाएं, जैसे कि ये मैंने उठाया रेड कलर, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर जाके ना आप एक एरिया में, ठीक है, जो आपका एक एरिया उसमें आप कर दें, आप अपना एरिया देख लें कितना ग्राफ का, ये जितना एरिया ना आपका 300 बाय 444, ठीक है, उतना ही एरिया हम इधर लेंगे, थोड़ा सा कम ज़्यादा भी चल जाएगा क्योंकि सेटिंग तो बाद में उधर ही करनी है, ठीक है। इधर हम ये कलर फिल करेंगे स्प्रे गन की हेल्प से, ठीक है। ये देख रहे हैं कि मतलब स्प्रे गन ये मैंने सेटिंग की हुई है, ये देख लें 300 रेडियस है, डेंसिटी है, ठीक है। इसको इतने में करके ज़्यादा करना ज़्यादा कर लें, कम करना कम कर लें, ठीक है, जैसे आपको ठीक लगता है। यहाँ पे ओके कर दें, ठीक है। मैं फिर से करके दिखा देता हूँ। एरिया लेके उसमें आपने अंडू करना है, ठीक है, नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ, ठीक है। इस एरिया को आपने ये कलर के साथ उठा लेना, ठीक है। यहाँ पे आपको जहाँ पे ठीक लगता है वहाँ पे, ठीक है। ये अजाफी कलर है, इसको हम क्लियर कर देंगे। ये ऊपर भी अजाफी है, इसको भी क्लियर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमने करना क्या है कि एरिया लेके हमने ऊपर वाले कलर को, जो कि हमने रैंडम लगाया था रेड कलर जो है, उसको हमने नीचे वाला कलर कर देना है, ये वाला, ओ सॉरी, ये वाला, ठीक है। और नीचे वाले कलर को हमने 170 कर देना है, यानी कि ऊपर वाला कलर कर, यहाँ से आप कलर पिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है।
ये डॉटेड का हल्का सा फ़र्क है, वो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, दोबारा फिलिंग कर सकते हैं यहाँ से पकड़ के। जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे डॉटेड कम है ज़्यादा है, ठीक है। तो ये बेसिकली हो गया ग्राफ हमारा, इसको हम इरेज कर देंगे सब सा ये, ठीक है। इसकी ना अब जो निटिंग की रिक्वायरमेंट है बार लाइन की, वो हम सेटिंग कर लेंगे इधर वेस्ट पे 8 नंबर कैरियर, और उसके बाद हम ट्यूब में अलग से ही चलाएंगे, 2 नंबर कर लेते हैं, और ऊपर जो है ना हम कर देंगे बिल्कुल क्लियर ये वाला हिस्सा, क्योंकि ये तो हमें चाहिए नहीं है, हमने करना है ऑटो में काम, ये चीज़ ख़त्म कर देनी है। उसके बाद ये ट्यूब के बाद ट्रांसफ़र जो लगा ना, इसको ख़त्म करना है आपने, कलर पिक करके फिल कर दें, ठीक है। और ये साइड पे फिल कर दें, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, ये जो वेव मोड वाली लाइन है 216 नंबर, इसमें हमने पहले लगाना है 21 नंबर टू कलर के लिए, चाहे 2 सिस्टम मशीन है, 3 सिस्टम मशीन है, जैसे कि भी मशीन है, कोई भी आपने मॉडल सेलेक्ट किया, लेकिन 2 कलर जगाड़ के लिए आपने लगाना है 21 नंबर, ये ऊपर बताएगा भी, ठीक है, 2 कलर के लिए। उसके बाद आपने 3 नंबर, अगर तो बनाना ट्विल में बर्डे बैक में बनाना है तो फिर 3 नंबर, अगर आपने ट्यूब में बनाना है तो फिर 8 नंबर इधर लगेगा, ठीक है, 6 नंबर भी लग सकता है, वो आप जैसे जो जो चीज़ें आप चेंज करते जाएंगे वो उस हिसाब से निटिंग उसकी चेंज करता जाएगा। उसके बाद लगाना है 1 नंबर, ठीक है। इन तीनों को पकड़ के आपने मैट्रिक्स कॉपी कर लेना, ठीक है। इसको जहाँ तक आप ग्राफ है वहाँ तक ले जाएं, ये बकाया जो है नंबर पोजीशन और स्पीड डेंसिटी ये ऑटोमेटिक लगे आते हैं, बहरहाल अगर आप अपनी मर्ज़ी से सेट करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। इधर हम यूज़र डिफाइन लगाएंगे, यूज़र डिफाइन लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बगैर जो है ना वो IJ और IC कलर वर्क नहीं करेंगे, ठीक है। ये अभी लगा के मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये कलर वो लिखा हुआ ना यूज़र डिफाइन IC IJ कलर के लिए, तो इसके बगैर जो है ना वो आपके वर्क नहीं करेंगे ये वाले कलर, ठीक है। इधर से हम जो है ऑटो वन करेंगे तो वो कैरियर ऑटोमेटिक पिक कर लेगा जो हमने कलर यूज़ किए हैं, 169 मतलब 3 नंबर, 170 मतलब 4 नंबर, ओके। उसके बाद हम इसे सेव करेंगे, ठीक है। बैक यहाँ पे हम कर लेंगे 20, सेव। उसके बाद हम इसे करेंगे कंपाइल, ठीक है। ये 2 नंबर कैरियर बॉर्डर में, 3 4 ऊपर, 8 नंबर पेस्ट, ठीक है। बकाया पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अब हम इसे CNT करके ज़रा चेक कर लेते हैं, ये ट्यूब में बन गया, ठीक है, ये ट्यूब में बन रहा है। अगर आपने इसे बर्ड आई में बनाना है या किसी और वन बाय वन मैच करना है, कुछ भी करना है, तो वो जैसे जैसे आप ये वेव मोड में कलर चेंज करते जाएंगे तो ये चेंज होता रहेगा, ठीक है। मैं आपको एक दफ़ा जो है ना वो बर्ड आई करके भी दिखा देता हूँ, ये फिल, ये 3 नंबर, ये 6 नंबर की जगह 3 नंबर लगाया, मांडू करके दिखा दूँ, ये 6 नंबर लगा हुआ है। इसमें अगर 3 नंबर फिल करेंगे ना तो इसकी निटिंग चेंज हो जाएगी कंपाइलिंग के बाद, ठीक है। अब इसकी CNT करके कंपाइलिंग चेक कर लेते हैं, ये देखें, ठीक है, चेंज हो गया। याद रखिएगा 6 नंबर पे आपका ट्यूब बनेगा, 3 नंबर पे बर्ड आई या ट्विल भी कहते हैं इसे, वो बनेगा, लेकिन आज ट्यूब में बनाना है तो हम 6 ही फिल करेंगे, ठीक
उसको दोबारा, और करने के बाद सिमुलेशन करते हैं इसकी कंपाइलिंग के बाद। ये इसके बाद हम सिमुलेशन करेंगे। तो गाइस ये सिमुलेशन कंप्लीट हो गई है, ये फ्रंट की है ठीक है, और ये बैक साइड की है ट्यूब में। फ्रंट साइड में जो हमने कलर सेलेक्ट करके सिमुलेट किया है वो है, तो ये देख लें आप, बिल्कुल ओके है। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।